सच्ची हम कहा बोल रहे हैं तुम भी आओ ना अम्मा जी से मिलने ठीक बा हम इंतजार करेंगे हाँ अटेक कुरियर भाभी कुरियर तो आपके लड्डू के भैया कर दूंगा मैं युगांडा आ, आप टेक केयर कहना के चाह रही हैं ऐसे ही पकड़े हैं अभी क्या बात है <laughs> आज तो बहुत चहक रही हैं बड़ी खुश नजर आ रही है। क्या बात है बताइए तो सही <laughs> खुशी का तो बात है ये जी कहीं उस खुशी की बात तो नहीं कर रही हैं आप ये भी नहीं समझे उस खुशी की बात तो नहीं कर रही <laughs> भी। भी बताइए कौन सी खुशी है? है हमारी अम्मा जी आ रही हैं। इसमें कौन सी खुशी की बात है भाभी जी वो तो आए दिन चली आती है ना बार वो पूरे दो महीने के लिए आ रही है मॉमी अगर ये मोटल्लो आ गई तो मेरा भाभी जी से मिलना इम्पॉसिबल हो जाएगा आ, आपको अपनी मम्मी का याद आ गया का नहीं मेरा मतलब है कि आंटी जी अगर गांव से यहाँ पे आ जाएंगी तो वहाँ पे पंडित रामपाल का क्या होगा उनके तो फल सूख जाएंगे आ आका बोले अभी जी वो पंडित रामपाल कैसे रहेंगे उनके बगैर आ तो उनको भी बुला लेंगे ना यहाँ पंडित रामपाल को भी हाँ। <laughs> और क्या चल रहा है विभूति है बस भाभी जी बता रहे थे कि इनकी अम्मा जी आ रही हैं बहुत खुश है भाभी जी अबे वो विभूति है अगर वो मोटल्ली आ जाएगी तो तेरी तो शामत आ जाएगी ये मोटल्ली किसको बोले आप आपके सासू माँ को तुम्हारा कितना व्हाट हमरे अम्मा जी को हां मोटल्ली बोलते हो तुम्हारा और यार मैंने कुछ नहीं बोला पर ये तो मेरा हाथ पैर सब तोड़ देती तुझे भी उड़ता हुआ तीर लेने का बहुत शौक है और बोला के आपकी सासू माँ लटक गया तो क्या करूं इसमें घंटे की बजा इसको घंटे की तरह टंग टंग भैया यहाँ एक जामुन वाला बैठता था ना कहा गया क्यों भाभी जी अचानक से जामुन खाने की तलब क्यों उठ गई अरे तिवारी जी तलब तो बहुत दिनों से लगी हुई है जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ ना जामुन देख कर मुँह में पानी आ जाता है <laughs> अरे तिवारी जी आपकी अम्मा जी तो गाँव में रहती है ना और गाँव में तो बहुत सारे जामुन के पेड़ होते हैं उनसे कहिए है ना किसी के हाथ भिजवा दें और एक बार तो उन्होंने जिक्र भी किया था कि आपके पापा <laughs> <laughs> पंडित राम फल के आंगन में जामुन का पेड़ है अरे भाभी जी तो छोड़िए ना अम्मा को बोलने की क्या जरूरत है हम है ना हम ले आएंगे आपके लिए क्या हुआ

लेकिन वो आती हैं, फिर आती है हाथ की मार खाते इसीलिए सुधरे हुए एक हमारे देव है। उनकी मोमी ने ना उसको सर पे चढ़ाया हुआ है कभी आज तक हाथ तक नहीं उठाया इसीलिए वो एक बिगड़ाल बच्चे जैसा हो गया है मैं तो कहती हूँ कि उसकी मोमी को भी ना आपकी अम्मा जी जैसा होना चाहिए था कम से कम ऐसे नल्ला तो तो कर रहा होता ना वो एटलीस्ट बात तो सही कही है भाभी जी हमारी अम्मा ने हमेशा हमें काम करने के लिए प्रेरित किया है भाभी जी कभी हमें खाली नहीं बैठने देती थी बचपन में जब हमें स्कूल से निकाल दिया जाता था ना भाभी जी तो वो भी हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती थी कहती थी अगर पढ़ाई नहीं तो काम करो मजदूरी करो बस देखिए बस उन्हीं के दबाव की वजह से हमने जो है वो कच्छा बनियान की एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था उस समय बताइए आज आप अंडरगारमेंट के फैक्ट्री के मालिक हैं <laughs> जी भाभी जी और मजे की बात यह है भाभी जी की वो फैक्ट्री वही है जिसमें हमने बचपन से काम करना शुरू किया था जी हाँ। पहले उसका नाम छोटे लाल अंडर गारमेंट्स था और अब जो है वो चमेली छाप कच्छा बनियान के नाम से मशहूर हो गई बताइए उसके बाद भी आपका अम्मा जी के आने के नाम पर लटक रहा है आप सही कह रही है भाभी जी आज हम भी अम्मा की वजह से <laughs> 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 आए। जी, how are you this morning? Hello. अभी जी, क्या बता आपके माथे पे परेशानी की शिकन दिख रही है सब खैरियत तो है हाँ, इंतजार कर रहे हैं पता नहीं कहाँ रह गए अभी तक तो आ जाना चाहिए था इंतकाल हो गया क्या बोल रही? अम्मा <laughs> जी क्या इंतजार कर रही है इतनी ज्यादा तंदुरुस्त तो कहीं ना कहीं तो अटक ही गई होगी mm -hmm. अगर जकरकट्टी के पुल से एक बस आ रही हो और दूसरी तरफ से मोटरली अम्मा जी जा रही हो तो जाहिर बात है पुल तो जाम हो ही जाएगा ना प्रेम जी हाँ। हाँ। दूसरा हाथ भी गया <laughs>

मजाक कर रहे थे <laughs> <laughs> अम्मा जी हम देख रहे हैं आप बहुत मजाक क्या होती जा रही हैं। अब ऐसे आप हमको डरा दी थी हाँ अमनमोहन मनमोहन कहाँ है मनमोहन अब हमारा बिटवा मनमोहन अम्मा जी आप आप फिर से हमारे साथ मजाक कर रही हैं ना सच्ची <laughs> लड्डू के भैया कौन है मनमोहन तो तिवारी तुम तो अभी बोली कि लड्डू के भैया बैल है हाँ, तो, लड्डू के भैया ही तो बैल है तो फिर मनमोहन कौन है अब मनमोहन बैल है लेकिन तुम तो अभी बोली कि लड्डू के भैया बैल है आ, तो भाई तो आपको समझा रहे कि मनमोहन भैया हेलो जी हाउ यू डूइंग दिस मॉर्निंग क्या बात है आप बड़ी बहकी बहकी से लग रही हैं रात को ज्यादा हो गई थी क्या तो तुमको कैसे पता का यहाँ तक आ रहा है <laughs>